मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी रायशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ यहाँ पे कश्मीर में, डे वन इन कश्मीर। और आज के आइटनरी की पहली स्पॉट है एक दरगाह। फन फैक्ट, यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हुई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी अनंतनाग के रास्तों से होके हम जा रहे हैं अश्वकाम, विच इज द श्रेम विद द ऑनर बाबा जैनुद्दीन, एंड इट इज ऑल्सो 20 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम द फेमस ट्रेन। तो यहाँ पे ना वज़ू करने की जगह बना रखी है यहाँ उन्होंने, सो दरगाह में जाने से पहले अब यहाँ वज़ू कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं दरगाह की तरफ। तो गाइस अंदर दुआ चल रही है, गुफा के अंदर वहाँ पे आप दुआ कर सकते हो, कोई भी मन्नत मांगो तो बोलते कि मन्नत पूरी हो जाती है। सो अब मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर का व्यू इतना सुरियल है। तो जो शूटिंग हुई थी ना वो इसी एरिया में हुई थी, वो कवाली जो करनाल सामने गया था और चांद नवाब, आपको तो याद ही होगा, वो पूरी शूटिंग इसी एरिया में हुई थी। तो अभी हम दरगाह से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी आफ्टर दरगाह वी आर गोइंग टू अ टेम्पल, दैट इज दी Sun Temple, also known as the ancient temple of Matlin. The Matlin Sun Temple was built in the 8th century and it was dedicated to Surya. It is one of the three holiest places for the Kashmiri Pandits. However, the temple was destroyed by Sikandar Shah Miri and since then it has been like this. तो गाइस ये मंदिर काफ़ी पुराना है, यहाँ पे ना कार्विंग्स की गई है हर एक पत्थर में, एकदम पुरानी हवेली वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और यहाँ का मौसम ना हर मिनट में चेंज हो रहा है, अभी धूप थी, अभी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एप्पल ऑर्चर्ड की तरफ और यहाँ पे ना मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैंने शॉल वॉल लगा लिया है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, एकदम ऐसा लग रहा है कि विंटर्स है। और वहाँ पर हमारे भाई इतनी गर्मी चल रही है। तो ये है एप्पल ऑर्चर्ड, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का है और अभी तो वैसे सीज़न नहीं है, सितंबर में ये फुल्ली राइप हो जाते हैं, सो आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे, लेकिन जब टाइम होता है द एंटायर ऑर्चर्ड इज़ फ्लडेड विद एप्पल्स। लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे लगे हुए, पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं। सो ये देखो छोटे छोटे वाले लगे हुए यहाँ पे। तो गाइस मंदिर के बाद अभी हम आए गुरुद्वारा, गुरुद्वारे का नाम है मतन साहिब। सो आई थॉट दैट जब कश्मीर आई हूँ तो लेट मी कवर ऑल द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द ईयर। इस गुरुद्वारे में एंटर करते ही सबसे पहला अट्रैक्शन है फिशेस, देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेस एंड यू आर ओनली अलाउड टू फीड देम। बारिश और धूप एक साथ हो रही है और इस्लाम में ना जब बारिश और धूप एक साथ होती है तो दुआ मांगी जाती है, तो मैं दुआ करती हूँ कि हम सब ऐसे अमन शांति से रहे एक साथ और हमेशा खुश रहे और हमेशा ही सेफ रहे। गाइस अभी हम वापस आ गए हैं और हम जहाँ रह रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर, मैंने सोचा कि उनके घर का भी एक छोटा सा व्यू आप सबके लिए रख देती हूँ। सो देखिए
गाइस वी आर बैक होम एंड विद दिस आर डे वन एंड्स ऑफ अ ईयर. सो आज का दिन मैंने पूरे यू नो रिलीजियस प्लेसेस को कवर किया था कश्मीर में, बट कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज कल हम जा रहे हैं चंदनवारी. तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए बिकॉज आप और मैं और आप विल बी ट्रैवलिंग कश्मीर टुगेदर. टिल देन दिस इज मी रशा साइनिंग ऑफ. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू वेरी सून.